इस गर्मी ने तो थकान और बढ़ा दी। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ये पसीने की बदबू। इतनी सारी बोतलों में से थोड़ी सी इत्र कम हो जाएगी तो मुश्ताक भाई को थोड़ी पता चलने वाला है। ओ भाई ताजगी। बड़ा ही उम्दा इत्र है। आज तो इस आदमी से वो इत्र लेकर ही आऊंगा। सुनिए जी, क्या आपने हमारे अबू को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं, हम पीछे थोड़ी देर आराम करने रुके थे, न जाने कहाँ गायब हो गए। आप बुरा ना माने तो हम थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हैं? बैठिए ना। शुक्रिया। आपके पास से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। दरअसल मैं इत्र का व्यापारी हूँ और ये अपने ये इत्र बेचने जा रहा था। अगर आपका ये इत्र थोड़ा सा हमें भी मिल जाता, हम तो तरोताजा हो जाते। हम ये इत्र आपको लगा तो नहीं सकते, सूंघा सकते हैं। हम तेरी जान ले लेंगे। आजाद कर हमें यहाँ से। मुझे पहले से यकीन था कि तू कोई लड़की नहीं, जिन है जिन। और हाँ, जब तक तू मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा ना, तब तक मैं तुझे इस बोतल से आजाद नहीं करूंगा। ये देखिए मुश्ताक भाई, एक से एक बढ़ के नायाब इत्र लाया हूँ आपके लिए। सुनकर देखिए, खुशबू सीधे दिमाग में चढ़ जाएगी। क्या कहते हो बेगम, कैसा लगा हमारा तोहफा? बहुत खूब। हमने कहा था ना, हमारा तोहफा तुम्हें बखूब पसंद आएगा। हमारी खूबसूरत बेगम जैस्मिन के लिए जैस्मिन वाला इत्र। एक से बढ़कर। ये क्या, इसमें तो 11 इत्र, 12 होने चाहिए ना। एक आ गया। वो एक बोतल सफर में टूट गई मुश्ताक भाई। मतलब हम अपनी बेगम को अधूरा तोहफा देंगे? अधूरा कहाँ है, सिर्फ एक बोतल ही तो कम है। सिर्फ सिर्फ तेरी गर्दन ला रहा है तो चलेगा क्या? जुबैर। जी हुजूर। इसे ऐसी सजा दो कि कभी गलती से भी मुश्ताक के काम में कोई गलती ना करे। चल। जुबैर से गलती। जुबैर को जानता नहीं है। क्या छुपा रहा है? हुजूर, ये देखिए क्या छुपा रखा है। गद्दार, तूने हमसे गद्दारी करने की कोशिश की। मैं कोई गद्दारी नहीं कर रहा था मुश्ताक भाई, मेरी बात का यकीन कीजिए। इस बोतल में जिन है। इस बोतल में जिन है। बेगम, मुश्ताक भाई, इस बोतल में जिन था। तू जब से यहाँ आया है,
तब से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। अब्बू, अब्बू खुदा के लिए इसे माफ कर दे। आज हमारी बेटी की वजह से तेरी जान बख्श रहा हूँ सलीम। शुक्रिया शुक्रिया नाजा, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। इस इत्र की बोतल में ऐसा क्या है कि वो इत्र वाला इसे देने के लिए तैयार ही नहीं था? अरे अरे दादा जान, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इस घर में जिन्नात आ गया है। हमें यहाँ शैतानी ताकत का एहसास हो रहा है। नहीं दादा जान, सब कुछ ठीक है। दादा जान आप आराम करिए और आराम से बताइए कि क्या ख्वाब देखा आपने। ख्वाब नहीं देखा, हकीकत है ये। सब ठीक हो जाएगा दादा जान, आप आराम करो। फिर से शुरू हो गया इनका, फिर से बैठे बैठे जिन और जिन्नात की बातें करने लग गए। अरे उम्र हो गई है तुम्हारी, हटिया गया। अब्बू ये क्या तरीका है दादा जान से बात करने का? हम सच कह रहे हैं, हमें जिन्नात की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। बैठो और ढूंढते रहो। बेटा तुमने नीम की गोली दी ना? अबो चुपचाप दूध पीजिए, सारे जिन्नात जो है उड़ जाएंगे यहां से। और आराम कीजिए। नासिया, नासिया, हमारी बात को यकीन करो, हमें उसका उसकी मौजूदगी का एहसास है। वो यही। सुनो, हमारे साथ चलो। बीबी जी, बीबी जी, ओ, ओ,
सुल्तान, सुल्तान, बीबी जी, बीबी जी। छोटी अम्मी आप, आपने तो हमें डरा ही दिया था। क्या हुआ, आप अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ छोटी अम्मी, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ छोटी अम्मी, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? छोटी अम्मी सब ठीक तो है? चाहता है कि तुझे खा जाऊं, पर तुझे मैं नहीं मार सकता। तुझे तो तेरे बाप के ही हाथों मरना होगा। तेरा बाप ही मारेगा तुझे। मैम साहब, इतनी रात को ये क्यों मंगाया? मुझे इस मेमने की रान खाना है, तो जब तक मैं इसे नहीं खा रही हूँ तब तक आप ये खिलाइए, ठीक? जी बीबी जी। अच्छे से खाना खा लो, ठीक? ये मेमना किसका है, यहाँ क्या कर रहा है? हुजूर, इसे बीबी जी लेकर आई हैं, मुझे ये खिलाने के लिए कहा है। अच्छा, खिलाओ खिलाओ। तो बेगम, आज आपको तोहफा मिला है, खुश तो बहुत होगी तुम। जब से उस इत्र को सुंघाया है तब से तुम हमसे दूर दूर रहती हो, ऐसी क्या खास बात है उन इत्रों में? जिन जिसे हमने वश में कर लिया। जी, क्या कर रहे तुम? कौन सा जी? आपकी मोहब्बत का जी, उन इत्र की शीशियों में आपके प्यार की खुशबू है, जिसे हमें वश में कर लिया है। दीवाना तो हमें आपकी इस खूबसूरती ने बना दिया है।
क्या हुआ? एक मिनट। आपको तो एक बात बताना भूल ही गए, आपकी बेटी नाजिया वो अपने नानी के घर गई है, आपको पता है ना? पता है। जल्दी ही वापस आ जाएगी। अच्छा, आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना, और हम आपसे जो कहेंगे आप वही करेंगे? तुम जो कहो। इसे लीजिए और हमें मार दीजिए। अब हमें यकीन हो गया है कि आप हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। चाहत है तो पूरी करो, रोको मत। क्या कहना चाहती हो? हमारी एक ख्वाहिश है, हम मेमने की रान खाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं आप अपनी इस मजबूत हाथों से उसे मार दें। बस इतनी सी बात बेगम, इतनी सी बात के लिए ख्वाहिश नहीं, हुक्म दिया जाता है। हम अभी आपको रान खिला देते हैं। ए मेमने, मरने वाला है तू अभी। अरे इतना प्यार क्यों दे रहा है मुझे तू? अब्बू, अब्बू मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बेटी हूँ नाजिया। अच्छा ठीक है, प्यार चाहिए तुझे, चला। क्या बात है मेमने, प्यार चाहिए तेरे को? चल ठीक है, मैं तुझे प्यार दूंगा, फिर तो प्यार में पकना, फिर मेरी बेगम तुझे प्यार सिखाएगी। क्या बेमने, इतना प्यारा मेमना ये है। वो तो है, पर आपको इस मेमने को अभी के अभी काटना है, तभी हम इसका रान खा सके। ये लीजिए, इसे लीजिए और काट दीजिए, हमें और भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। आपकी बेटी नाजिया है, प्लीज हमें मत मारो।
नहीं बेगम, तुम कोई और मेमना मंगवा लो, ये हमसे नहीं काटा जाएगा। नहीं काटा जाएगा मतलब? ये एक जानवर है और हमने इसे खाने के लिए मंगाया है। एक ही तो ख्वाहिश है हमारी कि आप अपने इस हाथों से इसे काटे। हमें पता है बेगम, पर पता नहीं क्यों हमारा दिल आ गया इस बार। देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे हमसे ढेर सारी बातें करना चाहता है। देखो ना कितना प्यार कर रहा है मुझसे। तुम कुछ और कहो, तुम जो कहो कि मैं करने को तैयार हूं, बस इसे मारने को मत कहो। मुश्ताक भाई, नाजिया कहां गई? दिखाई नहीं दे रही। नाजिया अपनी नानी के घर गई है, कुछ वक्त में आ जाएगी। नाजिया अकेले कैसे नानी के यहाँ जा सकती है? आज से पहले तो कभी नहीं गई। ये दोनों संतरी कहाँ मर गए? इस घर में क्या चल रहा है? मासूम तकर की वजह से तेरे बाप ने तेरा कत्ल नहीं किया। तू देखना, मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तेरा बाप खुद तेरी जान ले लेगा, देख लेना। ये खुला किसने छोड़ दिया? अरे मेमना किधर गया? कैसे हुए तुम बिना बोले अंदर आ गए? मैं तो मेमने को पकड़ने आया था, सोचे खामखा आपको परेशान कर देगा। कोई जरूरत नहीं है, हम इसे अपने पास ही रखेंगे। क्या देखा मैंने? मुझे यकीन है जो हमने उस कमरे में देखा वो आम नहीं है, यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। सोच रहा है ना कि नाजिया अपनी नानी के यहाँ तुझे बिना बताए कैसे चली गई? ये रही तेरी नाजिया। अब तेरा भी कुछ ऐसा ही हासिल करूंगा। तो कोड़ी के मुलाजिम, तू मेरा राज खोलेगा? हाँ, अब तू हमेशा कालीन बनकर रहेगा और तेरे सामने मैं तेरी नाजिया, जो फिलहाल मेमना बनी हुई है, उसे उसके बाप मुस्ताक के हाथों कत्ल करवा के उसका लहू लेकर जाऊंगा। हाँ।
खौफनाक जिन नाजिया को सांप बना के मरवाना चाहता है, इसे कैसे बचाऊं? नाजिया बेटा आ, जल्दी आ, मेरे अंदर छुप जा। क्या हुआ? तुम पीछे हटो। ये कंबख्त सुबेर कहाँ है? सुबेर! कहाँ गया? सुबेर खान! नाजिया फिर से बच गई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे काम में दखल डाले, अब तू देख एक जिन को गुस्सा क्या करता है। ये सांप कंबख्त इस घर में दाखिल कैसे हुआ? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर जुबैर भी कहां मार गया? जुबैर! जुबैर! तुमको सांप दिखा कहीं? नहीं। आपको दिखा? नहीं, मुझे नहीं दिखा कहीं। मुझे लगता है वो वापस से घर के अंदर चला गया होगा। चलिए जल्दी चलिए, वरना अब्बू को डस लेगा वो। हाँ चलिए। ये सांप कहीं दिख नहीं रहा, और ये कंबख्त नालायक जुबैर भी दिखाई नहीं दे रहा। ये सबको यहाँ छुट्टी भी है क्या? ये पत्तों की सरसराहट कहाँ से आई? मेरे पास सांप को पकड़ने की एक तरकीब है। क्या? आप दूध लेकर आइए। ये बिन यहाँ कहाँ से आ गया? आपको नहीं पता? अरे ये आपके घर पे मिले हैं।
इसे बजाए, शाम जरूर बाहर आएगा। वो देखिए, मारिए। ये साहब रस्ती कैसे बन गई? ऐसा कौन है जो मुर्दा इंसान को जिंदा कर एक पिशाच तो पनाह ही ले रहा है, लेकिन एक बेजुबान रस्सी ने भी जान फूंक के उसे सांप बना दिया। ये कौन हो सकता है? साहबजादे, हम बताते हैं। साहब आपके पास कहां से आया? जब तुम अपनी बीन के साथ खेल रहे थे ना, तब ये सांप मेरी पनाह में था। आप इसे इधर फेंक दो, मैं इसे मार दूंगा। कतई नहीं, ये सांप सांप नहीं है, ये तेरा अपना खून है जिसे तुम मारने की फिराक में है। क्या कह रहे हैं अबू आप? ये कि अभी सब साफ हो जाएगा। तो ये कफूर ही था जिसके पास ऐसा इल्म है। नासिया, नासिया, तू तो अपने नानी के घर पे थी ना? ये नानी वानी क्या कहीं नहीं गई थी, ये यही थी। ये जो मेमना बने हुई थी यही थी। मैंने तुझे कितनी बार समझाना चाहा कि तेरे ऊपर जादू हुआ है, लेकिन तूने मेरी सुनी नहीं। जानना चाहेगा किसने किया ये सब? उसका नाम बता मुझे। अपनी बेटी पर वार, आज या तो तेरी बेटी बचेगी या तेरी बीवी। तुझे अपनी औलाद का खून बहाना ही होगा, नहीं तो मैं आजाद नहीं हो पाऊंगा। उसका मतलब तुम हमारे खानदान के साथ ही दुश्मन नहीं है? किसने दिया ये फरमान तुम्हें? हमने दिया है ये फरमान कपूर, हमने। सलीम तू? हाँ मैं। तू जिन है,
और तुझे इस बोतल में हमने कैद किया है। जब तक तू हमारी एक ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा ना, तब तक हम तुझे इस बोतल से आजाद नहीं करेंगे। इस घर में जो खून के रिश्तेदार हैं, उन्हें किसी अपने का ही खून करना होगा। वो खून तू करवाएगा और वो खून लाकर तू हमें देगा। बोल, करेगा या नहीं? जो हुकुम मेरे आका। ये जिन मेरा गुलाम है और मुश्ताक, तू मेरी बात गौर से सुन। अगर तू अपनी बीवी से प्यार करता है तो अपनी बेटी को भूल जा, और अपनी बेटी से प्यार करता है तो अपनी बीवी को भूल जा। फैसला तेरे हाथ में है। अलीम, आखिर तू ये सब क्यों करना चाह रहा है? अरे क्या बिगाड़ा है मेरी पत्नी और बच्ची ने तेरा? गफूर, तू अपने मुंह से बताएगा या मैं बताऊं? अलीम, सलीम, इन्हें कुछ मत करना, हम बताते। मुश्ताक, आज जो तुम्हारे पास ये जायदाद, ये दौलत, जो सब कुछ है, ये सब कुछ सलीम के वालिद लियाकत का है। हम दोनों के पास जिन और जिन्नातों को पकड़ने की तालीम थी। लियाकत बहुत अमीर आदमी था, मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने धोखे से सब कुछ उसका हड़प कर लिया और एक दिन उसका कत्ल कर दिया। लेकिन उसका कत्ल करते हुए उसके बेटे सलीम ने मुझे देख लिया। इसका उनके साथ खून का रिश्ता था। ये खून का बदला लेने आया है। तुम्हें बदला चाहिए, मिलेगा। तुझे वो खून चाहिए, वो मैं दूंगा। किसका खून देगा तू? मैं तुझे अपने बेटे का खून दूंगा जो मेरी आगे अगली पीढ़ी है। क्या आपने ये खंजर अपनी तरफ क्यों घुमाया? सलीम, तुझे खून चाहिए था ना? ये ले खून। ये आपने क्या किया गफार? हमारा बदला पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे अब्बू के कातिल हम हैं। हमने तुम्हें अपना खून दे दिया, खून का बदला खून। इन बच्चों को माफ कर दो। नहीं गफूर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए आप। हमने अपने अब्बू से आपकी जान की मांग की थी, लेकिन आज हम आपसे हम सबकी जान की मांग कर रहे हैं। हम सबको माफ कर दीजिए। आपके अब्बू के साथ जो हुआ उसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं। सलीम भाई, आपको खुदा का वास्ता, हम सबको माफ कर दीजिए। तेरी मासूम आंखों ने सबको बचा लिया और मेरी कहानी अधूरी रह गई। जा, छोड़ दिया सबको।